हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड स्वादिष्ट में आपका स्वागत है। खिचड़ी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, मगर भंडारे वाली खिचड़ी की बात ही अलग होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही भंडारे वाली खिचड़ी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भंडारे वाली खिचड़ी बनाना। क्या करती हूँ कि सबसे पहले ये मैंने एक कटोरी चावल लिया है, तो ये चावल मैं नए चावल लूंगी। आप इसके लिए अगर नए चावल की खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसी कटोरी से नाप करके 1/3 कटोरी हम मूंग की दाल लेंगे। तो ये खड़ी मूंग की दाल है, ये छिलके वाली। आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी मूंग की दाल ले सकते हैं, लेकिन भंडारे में जो खिचड़ी मिलती है ना, वो छिलके वाली ही खिचड़ी मिलती है। तो अगर आप छिलके वाली खिचड़ी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये दोनों दाल चावल को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है, इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। अब इसको हम धो लेंगे अच्छी तरीके से पानी डाल करके, 2-3 बार पानी डाल करके अच्छी तरीके से इसको हम धोएंगे। तो अभी इसका पानी हम निकाल देंगे और इसको 2-3 बार इसी तरीके से पानी से धोएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको 3-4 बार पानी से अच्छी तरीके से डाल करके धो लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट पानी डाल करके ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि दाल और चावल अच्छी तरीके से भीग जाएंगे और हमारी खिचड़ी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगी। आप चाहें तो बिना भिगोए भी इसको बना सकते हैं। तो अब हम गैस में एक कुकर चढ़ा देंगे और कुकर में लगभग 1 चम्मच के बराबर हम इसमें घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि घी में बनी हुई खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को हम हल्का गुलाबी होने तक पका लेंगे। तो देखिए, जीरा हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने 1 कटोरी गोभी ली है। गोभी को मैंने इस तरीके से टुकड़े में कर लिया था। और ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कर लिया, इसको इसी में डाल देंगे। और ये 2 गाजर लिया है, गाजर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में तरीके से कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। और ये मैंने एक कटोरी मैंने मटर लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। तो ये सारी सब्जी हम डाल करके इसको अच्छी तरीके से हम चला देंगे, जिससे कि ये सब्जी थोड़ी सी हमारी भून जाए। सब्जी भूनने से खिचड़ी में हमारी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए सब्जी को लगभग हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे घी में। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने इसमें आलू, गोभी, मटर, गाजर डाला है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गोभी सब्जी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। इसी में मैंने जो पानी डाला था, पानी निकाल करके ये दाल चावल को भी इसी में डाल देंगे। और ये डाल करके इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। तो इसको भी लगभग हम 2 से 3 मिनट थोड़ा सा चला करके भून लेंगे। दाल चावल को हम सब्जी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, तो इससे खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो लगभग इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही चला करके इसको थोड़ा सा बस भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जिस कटोरी से दाल और चावल नापा था, उसी कटोरी से हम 6 कटोरी पानी डाल देंगे।
ये मैंने 6 कटोरी पानी डाल दिया है। आप पानी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे किसी को पतली खिचड़ी चाहिए या किसी को गाढ़ी खिचड़ी चाहिए तो आप पानी इसमें, अगर आपकी खिचड़ी गाढ़ी बनी है तो आप बाद में और भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। अब इसको हम ढक्कन बंद करके इसमें हम एक सीटी दिला देंगे। गैस का फ्लेम हाई करके इसमें हम एक सीटी दिलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। तो अभी देखिए इसमें एक सीटी आ गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी हम कुकर को नहीं खोलेंगे जब तक कुकर का पूरा प्रेशर नहीं निकल जाएगा। तो अब इसका प्रेशर सारा निकल गया है, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी रेडी हुई है। ये देखिए, तो अब इसमें हमें तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम खिचड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें हम देसी घी डाल देंगे। तो ये लगभग 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। तो ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 इंच अदरक, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था, वो डाल देंगे और 2 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 हरी मिर्च इसको मैंने बीच से कट कर लिया था उसको डाल देंगे। आप चाहें तो इसी में प्याज और लहसुन भी डाल करके भून सकते हैं, लेकिन मैं भंडारे वाली खिचड़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी। इसी में ये करी पत्ता मैं डाल दूंगी। तो देखिए ये जीरा भी अच्छी तरीके से भुन गया है, हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ये 4 टमाटर मैंने लिए थे इनको भी हम इसी में डाल देंगे और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसको हम चला करके अच्छी तरीके से टमाटर जब तक गल नहीं जाएंगे तब तक हम पका लेंगे। तो हमें टमाटरों को अच्छी तरीके से गला लेना है इसमें। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको डाल करके अच्छी तरीके से हम एक बार फिर से चला लेंगे। तो टमाटर भी देखिए हल्के हल्के से गलने लगे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने उड़द दाल की भी खिचड़ी डाली थी, अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो अब ये तड़का हम खिचड़ी में ऊपर से डाल देंगे। तो अब ये तड़का हम इस खिचड़ी में डाल देते हैं। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो अभी इसमें खिचड़ी में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। तो 1 कटोरी लगभग गर्म पानी डाल देंगे इसमें। हम मुझे पतली खिचड़ी पसंद है, अगर आपको गाढ़ी खिचड़ी पसंद है तो आप इसमें पानी नहीं डालिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनके रेडी हुई है। अब ऊपर से हम देसी घी डाल देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से डाल देंगे।
तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म भंडारे वाली खिचड़ी। इसको आप इंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।